तो अभी आ रहे हैं ऑफिस से। हाँ, आज के दिन भी ऑफिस गए थे। वैसे आज दशहरा है। मम्मी ने कहा था मिठाई लेने को, मिठाई ले लिए। मम्मी ने कहा था पदनापुर का माहौल चेक करने को, वो भी चेक कर लिए। पदनापुर का माहौल मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया। वहाँ पे मेरे को सिर्फ एक रावण का स्टैचू मतलब पुतला दिखा, बाकी उसके दोनों भाई का तो दिखा ही नहीं। तो पता नहीं वहाँ जाएंगे कि नहीं। आप कहाँ जाएंगे क्या पता, देखेंगे। निकलेंगे जहाँ अच्छा दिख के, वहाँ पर रावण का मार के वापस आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं घर, फिर वहाँ से थोड़ा रेस्ट करके फिर रेडी वेडी होके निकलेंगे। तो आज आखिरी बार फिर से रेडी हुए हैं। दशहरा है लास्ट दिन, फिर अब त्यौहार आएगा दिवाली। तो जा रहे हैं हुड़को, जा रहे हैं अपना रेगुलर जो है हुड़को जाएंगे। तो वहाँ से एक मामा के आ जाएंगे, फिर दूसरे मामा के आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बस इतना सा प्रोग्राम है। अभी इस बीच में जो जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें आप देखोगे। चलो, तो अभी हुड़को मैदान में बन गया क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम में घास पे बैठे हैं, घास है। और ये जो लाइट है, तो मम्मी अभी यहाँ बैठी है और यहाँ पे अपने को अभी बहुत समय निकालना है, क्योंकि स्टेज में अभी चल रहा है बहुत रामलीला, भाषणबाजी सब। तो उसके लिए कुछ तो चाहिए टाइम पास। तो मैं गया और तीन चार चीज़, चना, फिर मिक्सचर, तो लड्डू वड्डू सब लेके आया कि बैठ के यहाँ पे अभी टाइम पास करेंगे। ये है मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिसने अभी अभी एक फ़ोन लिया है, एकदम फ्लैगशिप लेवल का। तो बस फैमिली का फोटोग्राफर बन चुका है। तो क्या मस्त वीडियो आ रहा है आपका, हमें तो मस्त दिख रहे हो वीडियो में आप, एकदम सिनेमैटिक। ओए फटाका निकला, क्या हो रहा, क्या हो रहा, तो उधर भी अपने को भी जाना है क्या? रावण तो सब उस तरफ क्यों जा रहे हैं? रामायण खत्म हो गया अब, यहाँ अपन बैठ रहे थे, अपन नहीं जाते कहीं। ओए एक और निकला, एक और निकला। लाइट एक नंबर है यहाँ पे, लेकिन देखो चेहरा कितना लाइट अप दिख रहा है। तो बस थोड़ी देर में ही जलेगा, यही दिलासा मैं बहुत देर से खुद को दे रहा हूँ। पटाखे फूट रहे हैं बट जल ही नहीं रहे। जैसे आपको जानकारी हुई है 5 मिनट के अंदर हमारे बीच में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। रावण जल नहीं रहा, वो लगातार बोल रहा है कि आतिशबाजी चलती रहनी चाहिए। बम फोड़ फिर बोल रहा है अन्नी भाई आतिशबाजी फोड़ते रहिए। बेचारा जलाने वाला भी परेशान हो गया होगा, भाई चुप रहे जला रहा हूँ। समय ना दे रहा कि भाई बत्ती में आग तो लगाऊं। अभी एक गेस्ट का होना और बाकी है, ताम्रध्वज साहू जी का। तो उसके बाद, उसी के बाद फिर रावण को आग लगाएंगे। टाइम बताओ, 10 बजने वाले।
अभी ताम्रध्वज साहू जी का चल रहा है स्पीच, ये चलेगा, फिर उसके बाद रावण दहन होगा। यहाँ नींद आ रहा आदमी को, मेरे को लग रहा है कि वो शायद सो गए होंगे, उनको उठा के लेके आ रहे हैं चलो रावण दहन करना है करके, क्योंकि आते ही बोलते बोला ला कि समापन हो गई री से, ऐसा करके उनका उनके शब्द है, तो उससे ऐसा लगता है। अब होगा रावण दहन, वहाँ से मंडली निकल चुकी है। हाँ जय श्री राम, चलो आ जाओ आ जाओ उड़ते हुए आ जाओ। हो गया शुरू जोरदार तरीके से रावण दहन की प्रक्रिया, पहले रावण ही जला दिया। रविशंकर सिंह पटाखा ही नहीं फूटा। नवयुवक दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई सिजू अंतोनी जी से निवेदन है कि वे प्रतिमा दीदी का स्वागत करें। भाई सिजू अंतोनी जी, चलो रावण जला तो यहाँ तक आ रहे हैं, गर्मी थोड़ा थोड़ा रावण जल गया, चलो अब घर। अब बाहर से लोग सीता पत्ता लेंगे, सीता पत्ता लेके घर चले जाएंगे। रावण जल गया, सब हो गया, अभी तक स्वागत ही कर रहा, तू कर रात भर बैठ के स्वागत कर, माइक पकड़ ले, अकेले बैठ के सबका स्वागत करते रहे। तो आज फिर आते आते लेट हो गया, सेम विच टाइम हो गया, 12 बज रहा है। वहां से निकलने के बाद एक मामा के यहाँ गए, फिर उस मामा के यहाँ से निकलने के बाद अपने जो बड़े मामा है उनके यहाँ गए। सबसे क्या पैरवेर छूना पड़ता है, आशीर्वाद वगैरह लेना पड़ता है, तो वो सब करके अभी घर आए हैं। अभी 12 बजे मेरा होगा डिनर, डिनर में बना है पराठा और चिकन, तो वही मैं उसको खाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कुछ बढ़िया सा कमेंट करना है, और कोई सजेशन वो भी डाल दो कमेंट में, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन शो सम लव टू एवरीवन, बाय।